हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन गाइस। राजस्थान जीके में आज हम बात करेंगे राजस्थान के लोक देवता, पांच आप लोक देवता जिसकी ट्रिक आपको पता होगा। ट्रिक मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पहरा मांगो, ठीक है। प से पापूजी, ह से हड़बूजी, रा से रामदेव जी, मां से मांगलिया मिया जी, गो से गोगा जी। ये पांचों आपके लोक देवता हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन से लोक देवता नहीं माने जाते हैं, तो लोक देवता ये पांच आपको ध्यान रखने हैं ट्रिक से। अब हम एक एक करके शॉर्ट में मैं अपने नोट से समझाने की ट्राई करूंगा, तो जो भी छात्र इस वीडियो से समझना चाहता है समझ सकता है। मैंने यहाँ पे ज्यादा कोई फैंसी नोट्स नहीं बनाए, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुट होते हैं वो मैंने आपको बताने की ट्राई की है। सबसे पहले हम आ जाते हैं पापूजी। इन्हें रायका जाति के लोक देवता कहते हैं, इन्हें लक्ष्मण का अवतार कहते हैं, ऊंटों के देवता कहते हैं, प्लेग रक्षक देवता भी कहते हैं। इनकी घोड़ी का नाम था केसर कालमी। इनका जन्म स्थान था कोलूमंड गांव फलोदी जिला, जो बन गया है पहले। आप पिछली जो किताब की इन्फॉर्मेशन थी उसी हिसाब से ध्यान रखें, फलोदी जो जोधपुर में आता है आपके। पिता इनके दांदल जी राठौड़ थे, माता कमला दे थी, पत्नी फूलम दया सुप्यार दे थी, ठीक है। ओके, अब देखिए बाबूजी की फड़ सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है, और आप इसकी ट्रिक को मैंने बताया हुआ है। इसे नायक जाति के भोपे रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ में गाते हैं कई बार। अब दो फड़ हैं, एक तो लोकप्रिय फड़ है बाबूजी की फड़, ठीक है। एक फड़ है आपकी सर्वाधिक बड़ी फड़, सर्वाधिक लंबी चित्रित फड़, वो आपकी देवनारायण जी की फड़ है। तो यहाँ पे कई बार दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो यहाँ पे इसी ट्रिक से ध्यान रखें। पालना हाथ से चलाओ, प से बाबूजी की, ल से लोकप्रिय, ना से नायक जाति के भोपे, हाथ से रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबूजी की जो पावड़े होते हैं, जो गीत होते हैं, इनकी वीरता के संबंधित गीतों को जो गाते हैं, उन्हें माठ वाद्यंत्र के साथ में गाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। बाबूजी के जो बहनोई थे वो खींद्राव खींची से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे, और ये अपने फेरे लेते समय आधे फेरों को छोड़ के आ जाते हैं, और गायों को बचाने के लिए अपने बहनोई जींद्राव खींची से लड़ते हैं और वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। बाबू जी के भतीजे थे रूपनाथ बालकनाथ, जिन्हें झरणो जी, हिमाचल प्रदेश में इन्हें बहुत अच्छी तरह से पूजा जाता है, और हिमाचल प्रदेश में ये लोक देवता भी फेमस हैं। तो ये इन्होंने खींची को मारकर बदला लिया था, ये बाबू जी के भतीजे थे, ठीक है। बाबू जी का प्रतीक अगर हम बात करें तो भाला लिए अश्वरोही है। कौन है? अश्व यानी घोड़े पे भाला लिए हुए जो लोक देवता है वो कौन है? बाबू जी है। इनका बाबूजी प्रकाश आसिया मोड़ जी ने लिखा था, जिन्होंने बाबूजी की जीवन ग्रंथि को इसमें बताया था। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। घोड़ी का नाम केसर कालमी, ऊंटों के देवता हैं, माता कमला दे है, और लोकप्रिय फड़ है इनकी, माठ वाद्यंत्र के साथ में गाते हैं, जींद्राव खींची से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। चलिए हम आ जाते हैं हड़बूजी। हड़बूजी का छोटा सा है, ज्यादा नहीं है। जन्म इनका भूंडले नागौर में हुआ था, मियाजी साकला के घर पे, और मुख्य पूजा स्थान का बैंगटी फलोदी में है। मंदिर में क्या रखा रहता है? इनकी बैलगाड़ी की पूजा होती है, क्योंकि कहा जाता है कि जो पंगु गायें होती हैं उनके लिए इस बैलगाड़ी में वो चारा लेके आते थे। राव जोधा को मंडोर विजय का आशीर्वाद इन्होंने दिया था, कटार भेंट की थी, इसलिए जब विजयी होने के बाद में राव जोधा ने विजय बाद में इन्हें बैंगटी गांव इन्हें दान में इन्होंने दे दिया था। तो हड़बूजी की बैलगाड़ी की पूजा होती है, आपको ध्यान रखना है, और इनका मुख्य पूजा स्थान बैंगटी फलोदी में है। ये छोटा सा हड़बूजी लोक देवता के बारे में हो गया। हम आ जाते हैं रामदेव जी। इसकी ट्रिक को आप ध्यान रख सकते हैं। नेत्रा मीणा आज ऊंट पर बैठकर रुड़ेचा गया, नेत्राम नेतल पत्नी हो जाती है, मीणा से मीणा देव माता हो जाती है, ऊंट से ऊंट का समीर इनका बाड़मेर में पड़ता है, इनका जन्म स्थान है, रुड़ेचा इनका मृत्यु स्थल है, ठीक है। अजमल इनके पिता है। तो नेत्रा मीणा आज ऊंट पर बैठकर रुड़ेचा गया, इस ट्रिक से आप ध्यान रख सकते हैं। नेतल दे माता का मेड़ा दे सॉरी नेतल दे पत्नी का मेड़ा दे माता का नाम है। इन्हें विष्णु का अवतार कहते हैं, इन्हें राम सा पीर, पीरों का पीर, कृष्ण का अवतार भी कहा जाता है, और ये सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक हैं, क्योंकि मुस्लिम हो या फिर हिंदू हो दोनों ही इन्हें पूजते हैं, और इन्होंने मूर्ति पूजा के भी ये विरोधी थे। इनका घोड़ा नीला घोड़ा है। किताब इनकी 24 वाणियां हैं। सबसे लंबा जो लोक देवता गीत है वो रामदेव जी का ही है। इनके मंदिर देवरा होते हैं, जिनमें इनके दो पगले होते हैं और जिनकी पूजा होती है। दो पगले जो इनके पैरों के निशान वाले जो पगले होते हैं, जो इनकी ज्योतियां होती हैं वो रखी हुई हैं, उनकी पूजा की जाती है। रामदेव जी ने कांवड़िया पंथ की स्थापना की थी। तो कांवड़ जाति के लोग तेरे ताली नृत्य करते हैं,
ठीक है, तो कई बार पूछा जाता है कि तेरे ताली नृत्य कौन सी जाति के लोग करते हैं, कांवड़िया पंथ के। ठीक है, इनका मंदिर रामदेवरा जैसलमेर में है। मेला भाद्रपद शुक्ल दूस से, जिसे बावेरी बीज भी बोलते हैं, एकादशी तक इनका चलता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। घोड़ा का नाम, और एक आपको देवरा जिसमें इनकी पगलियों की पूजा होती है, और कांवड़ जाति के लोग कौन सा नृत्य करते हैं, तेरे ताली नृत्य करते हैं। अब हम आ जाते हैं मांगलिया मिहाजी। तो इनका मंदिर बापड़ी जोधपुर में है। घोड़ा इनका किरड़ कापरा है। मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी यानी जन्माष्टमी जब आती है, इनका जब मेला भरता है, मान्यता बोली जाती है इनके लिए। पूजा करने इनकी जो पूजा करते हैं, उन भूपों की वंश वृद्धि नहीं होती, इसलिए उन्हें गोद लेके अपने वंश को बढ़ाना पड़ता है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कौन से ऐसे लोक देवता हैं जिनकी पूजा करने वाले भूपों की वंश वृद्धि नहीं होती है, तो वो मांगलिया मिहाजी है। किरण काबरा इनके घोड़े का नाम था। रामदेव जी के घोड़े का नाम क्या था, नीला घोड़ा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं गोगा जी। तो महमूद गजनबी ने इन्हें जहार पीर कहा था, और सांपों के देवता कहा जाता है इन्हें, गोरक्षक देवता भी कहते हैं, गोगा पीर भी कहते हैं। इनके पिता जेवर थे, माता बाचल थी, पत्नी केलम दे जो पाबू जी की भतीजी थी वो थी। ठीक है, इनकी घोड़ी का नाम था नीली घोड़ी। इनके थान है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं, और इनका युद्ध करते समय इनका सिर जो गिरा था वो कहाँ गिरा था, ददरेवा चुरू में गिरा था, जिसे सीट्स मेड़ी कहते हैं। इनका धड़ गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में गिरा था। इनका मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। इन्हें सांपों का देवता कहते हैं क्योंकि इनकी पत्नी को किसी सांप ने डस लिया था, उसके बाद में जब इन्होंने यज्ञ किया तो उसमें सारे सांप आकर गिरने लगे, और उसके बाद में उन्होंने इसका जहर निकाला, उसके बाद में किंवदंती है कि इन्हें सांपों के देवता कहलाने लगे। केसरी अकबर जी ये गोगा जी के पुत्र हैं। मल्लीनाथ जी राजस्थान का सबसे पुराना पशु मेला लगता है यहाँ पे, लूनी नदी के तट पर तिलवाड़ा में लगता है, यहीं उन्होंने समाधि ली थी मल्लीनाथ जी ने। ठीक है, देवनारायण जी की बात करें तो ये आयुर्वेद ज्ञाता हैं, एकमात्र लोक देवता हैं जिन पर भारतीय डाक विभाग द्वारा 5 रुपए का टिकट जारी किया गया है। इनके घोड़े का नाम लीलाघर है। राजस्थान की सबसे पुरानी सबसे बड़ी फड़ इन्हीं की है, जो भोपे जंतर वाद्य यंत्र के साथ में इसे गाते हैं। फिर आ जाते हैं तेजा जी। तो इन्हें बोलते हैं काला और बाला के देवता। इन्हें कृषि कार्यों का उपकारक देवता भी बोलते हैं। इनकी घोड़ी लीलड़ थी, और मृत्यु इनकी सुरसरा किशनगढ़ में जो पड़ता है उस स्थान पर सर्पदंश से हुई थी। इनका मेला पर्वतसर नागौर में तेजा दशमी यानी शुक्र भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। अब ये तलवारधारी अश्वारोही के रूप में है, इनका जो प्रतीक है वो कैसा है, तलवारधारी, जबकि पाबू जी का कैसा था, वो भालाधारी अश्वारोही के रूप में थे। अब इन घोड़ों के नाम आपको ध्यान रखने हैं, साथ में इनके जो उपनाम हैं वो भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो तेजा जी का घोड़ा क्या था, घोड़ी इनकी लीलड़ थी, इन्हें काला और बाला का देवता कहते हैं। देवनारायण जी का घोड़ा लीलागढ़ था, और इनकी भोपे जंतर वादन के साथ में इनकी सबसे पुरानी और सबसे बड़ी फड़को गाते हैं। मल्लीनाथ जी कहाँ पे हैं, और इन्हीं के इनका जो मंदिर है वहीं पे राजस्थान का सबसे पुराना पशु मेला लगता है, और ये घोड़ी है, इनका मेला भाद्रपद किस नवमी से लगता है, सॉरी गोगा जी थे। ठीक है, उसके बाद मांगलिया मेहा जी, इनके घोड़े का नाम किरड़ काबरा है, बाकी का मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने शॉर्ट्स में बताने की यहाँ पे आपको ट्राई की है। धन्यवाद।